अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द कोर्स कोड इज़ MGT561। द बुक विच वी आर यूजिंग इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस। इट इज़ द फिफ्थ एडिशन ऑफ द बुक। द पब्लिशर ऑफ द बुक इज़ पियर्सन पब्लिशिंग। द ऑथर ऑफ द बुक इज़ सुनील चोपड़ा एंड पीटर मैंडल। एस We in the last lecture we were in chapter 6. The name of this chapter is Designing Global Supply Chains Network. Before starting today's lecture, let me first give you an overview of what we have done so far in this chapter. We have studied the impacts of globalization on supply chain networks. हमने देखा कि globalization किस तरीके से impact कर रही है supply chain के network को, कौन कौन सी supply chain जब globalize होते हैं तो हमें क्या क्या problems या क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जी offshoring होता क्या है और offshoring decision के अंदर क्या क्या costs involve होती हैं। हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखी इस चैप्टर के अंदर। जब सप्लाई चेन ग्लोबल होती है तो न्यू चैलेंजेस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं, न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन न्यू चैलेंजेस को मैनेज किस तरह किया जा सकता है, उन नए रिस्क जो आपको मिल रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, उनको मैनेज किस तरह किया जा सकता है। हमने मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इसके अंदर देखी। हमने पहले रिस्क देखा, फिर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको देखा। फिर हमने ये भी देखा कि जी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, चेनिंग क्या होती है, कंटेनमेंट क्या होती है। हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस भी किया, ऑल दो ये हमने लिमिटेड उसमें किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। बट अप टिल नाउ यू नो अबाउट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस फाइनेंस, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि होगा कि जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस होता क्या है। मैंने भी आपको एक छोटा सा इसके अंदर इंट्रो दे दिया है। द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के यू नो द रेट ऑफ रिटर्न, योर हर्डल रेट और योर डिस्काउंट रेट, ये एक ही चीज़ें हैं। के की वैल्यू पता हो तो देन यू कैन इनकॉर्पोरेट बेसिकली कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस की बेसिक खसूसियत क्या होती है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट करता है कि जी अगर आपकी पैसा है उसकी पैसे की जो टाइम वैल्यू है उसको इनकॉर्पोरेट करता है। वो किस तरह इनकॉर्पोरेट करता है? बाय इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ योर डिस्काउंट रेट, योर हर्डल रेट या योर रेट ऑफ रिटर्न। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इस के की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताता है। तो हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस भी किया हुआ। आखिरी चैप्टर, आखिरी लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जहाँ ख़त्म किया था वो डिसीजन ट्री पे किया था कि जी डिसीजन ट्री होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि जी डिसीजन ट्रीज जो मेथडोलॉजी है, सबसे पहले इट्स अ ग्राफिकल मेथडोलॉजी। मैंने आपको ये भी बताया कि डिसीजन ट्री को अगर आपने कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना है तो मैंने आपको दो तीन सॉफ्टवेयर्स भी बताए थे। होपफुली अब तक आप उन सॉफ्टवेयर्स को जाके देख चुके होंगे। क्योंकि ग्राफिकल तरीका है, बेसिक मकसद इसका क्या है डिसीजन ट्री एनालिसिस का? बेसिक मकसद इसका ये है कि जी जो रिस्क है या जो अनसर्टेनिटी है ये उसको इनकॉर्पोरेट करके एक आपको डिसीजन देता है। है ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग मेथडोलॉजी कि आपको डिसीजन मेकिंग में मदद देता है। बेसिक काम इसका ये है कि जी अनसर्टेनिटी हो, रिस्क हो, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके ये आपको एक आंसर, एक डेफिनेटिव आंसर देता है या एक डेफिनेटिव डिसीजन देता है। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी हमें किस तरह से मिलती है? हमें इन प्रैक्टिकल केस रिस्क और अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटीज में मिलती है कि देर इज़ अबाउट 20% चांसेस ऑफ हैपनिंग और 80% चांसेस ऑफ नॉट हैपनिंग। होता तो हमें जो ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है ये नॉर्मली हमें प्रोबेबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिलती हैं।
तो हम आखिरी लेक्चर के अंदर डिसीजन ट्री पे थे. ये बेसिकली पुरानी स्लाइड ही है जिसके अंदर डिसीजन ट्री की मेथडोलॉजी दी हुई है. यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, यू हैव टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स विच विल फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डिसीजन. आपको उनकी फ्लक्चुएशन की कोई रिप्रेजेंटेशन या उनकी अनसर्टेनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन शो करनी है. फिर उसके बाद आपने अपना रेट ऑफ रिटर्न बताना है या डिस्काउंट रेट बताना है, क्योंकि हम इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, कि मनी की जो टाइम वैल्यू है. एक एक मेरे पास आज 1 लाख रुपया हो तो उसकी डिफरेंट वैल्यू है एज कम्पेयर्ड के मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपया मिले. इसी तरह फिर हमने 5वां स्टेप यह है डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी के अंदर कि हमने डिसीजन ट्री को रिप्रेजेंट करना है इन अ ग्राफिकल मेथड एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम एंड टाइम टू द फर्स्ट टाइम, जीरो टाइम पीरियड, आखिरी टाइम पीरियड से जीरो टाइम पीरियड पे की तरफ हमने इसको लाना है. ये मैंने आपको पिछली दफ़ा एक एग्जाम्पल से समझाया था कि जी एक वेयर हाउस है, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, गेट ऑल वेयर हाउस स्पेस फ्रॉम द स्पॉट मार्केट एज नीडेड, साइन अ 3-year lease फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेयर हाउस स्पेस एंड गेट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, या तीसरा है साइन अ फ्लेक्सिबल लीज विद अ मिनिमम चार्ज दैट अलाउज वेरिएबल यूजेज ऑफ वेयर हाउस स्पेस अप टिल अ लिमिट विद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट. अब एक कंपनी ट्रिप लॉजिस्टिक्स, लेट मी जस्ट समराइज इट और लेट मी जस्ट रिमाइंड यू द प्रॉब्लम. ऑल्दो हम ये पिछले लेक्चर से ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी बुक के अंदर भी ये प्रॉब्लम एज एग्जांपल 6.1 के तौर पे दी हुई है. तो लेट्स सी के जी आज हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये वाला ऑप्शन जो था इसका सॉल्व कर लिया था कि जी अगर हम सारी स्पेस स्पॉट मार्केट से लेते हैं तो हमारी क्या जो एमपीवी है या क्या हमारी वैल्यू के अंदर एडिशन हो रही है. बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज के जी आपको 1 यूनिट ऑफ डिमांड पूरा करने के लिए अबाउट $1 पर ईयर की रिक्वायरमेंट है. आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव 1 यूनिट ऑफ डिमांड पूरा करने के लिए यू रिक्वायर 1 square feet ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस. आपके पास जो एवरेज डिमांड है दैट इज़ अबाउट 100,000 units पर ईयर. तो दिस इज़ दी करंट डिमांड एट टाइम ज़ीरो डिमांड. फिर आपके पास कुछ अनसर्टेनिटी है या कोई रिस्क है, वो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एंड प्रॉबिबिलिटीज़ के अंदर कि जी 50% प्रॉबिबिलिटी है कि डिमांड 20% बढ़ जाए, इसी तरह से 50% प्रॉबिबिलिटी है कि डिमांड 20% कम हो जाए. तो ये वो वाला स्टेप आ रहा है कि आपने वो वेरिएबल्स बताने हैं जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप लीज करते हो, 3 साल की लीज साइन करते हो, तो यू विल हैव द प्राइस जो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी वो $1 पर स्क्वायर फीट पर ईयर के हिसाब से पड़ेगी. स्पॉट मार्केट में अगर आप लेते हो, स्पॉट मार्केट का मतलब ये है कि जैसी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने मार्केट में ऑन द स्पॉट किसी से जाके ख़रीद ली वेयर हाउसिंग स्पेस, उसकी जो प्राइस है दैट इज़ एट दिस मोमेंट इट इज़ अबाउट $1.2 पर स्क्वायर फीट पर ईयर. मगर इसके अंदर स्पॉट मार्केट के अंदर ज़रा सी फ्लक्चुएशन है, ज़रा सा रिस्क है और ज़रा सी अनसर्टेनिटी है. वो कितनी है कि जी देयर इज़ अबाउट 50% चांस कि ये जो प्राइस है ये 10% बढ़ जाए, 1.2 का 10% बढ़ जाए. देयर इज़ ऑल्सो अ 50% चांस कि जो आपकी स्पॉट प्राइस है वो 10% कम हो जाए. आप अभी हर यूनिट ऑफ डिमांड को पूरा जब करते हो तो आप $1.22 पर यूनिट ऑफ डिमांड कमा रहे हो, और आपकी जो ये ट्रिप लॉजिस्टिक कंपनी है इसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है या इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है या इसका डिस्काउंट रेट या इसका हर्डल रेट ये जो है अबाउट 0.1% है. ठीक है, 0.1 है या अबाउट 10% है कि जी अगर इसको एक साल, अगर आज आप इसको 1 लाख रुपया देते हैं तो वो 1 लाख से 1 साल के अंदर 10,000 निकाल लेता है.
ठीक है, तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि जी अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो अगर आप मुझे 1,000 रुपया दोगे तो एक साल के अंदर मेरा रेट ऑफ रिटर्न अगर 0.1 या 10% है, सिमिलर टू 10%, तो मैं 1,000 से 10% निकाल लूंगा, विच मीन्स कि मैं 1,000 से 100 रुपया साल के अंदर निकाल लूंगा, या उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर लूंगा, या उससे जो है बेसिकली उसमें वैल्यू एडिशन करूंगा, तो ये मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। हमने जो डिसीजन ट्री बनाया था वो वही के जी आपकी जो अनसर्टेनिटी है उसको भी, अब मैंने आपको बताया था कि जी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं। मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि जी यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दी रिप्रेजेंटेशन। बुक के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है पीरियड टू की, ये ज़रा समराइज करके दी हुई है, मगर इफ़ यू सी एरोज़ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 × 4 और इज़ अबाउट 16 आउटकम्स। आपकी बुक के अंदर ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपकी इस जगह पे 9 आउटकम्स दी हुई हैं। वो इसलिए दी गई हैं कि जी बाज़ दफ़ा वो जो डिमांड और डिमांड और प्राइस के वेरिएबल्स हैं वो दो केसेस के अंदर एक तरह के आ रहे थे, तो उन्होंने समराइज करके दी हुई है। मगर अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो पीरियड टू के अंदर आप 16 आउटकम्स भी बना सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो बुक के अंदर ये जो डिसीजन ट्रीज हैं ये समराइज करके दिए गए हैं, मगर इनको बेहतर ये है कि जब आप घर में हाथ से सॉल्व कर रहे हो तो सारे डिसीजन ट्री को पूरी आउटकम्स के साथ बनाएं, या पूरी जो पीरियड टू है और पीरियड वन उसकी पूरी जो आउटकम्स उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व करें। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं, ये तो पीरियड वन है। एट दिस स्टेज यू हैव अ डिमांड ऑफ अबाउट 100,000 यूनिट्स पर ईयर, और आपके पास जो स्पॉट प्राइस है, अभी हम पहला वाला ऑप्शन हमने देखा था ना कि जी गेट ऑल द वेयर हाउसिंग स्पेस फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो ये उसका स्पॉट मार्केट या जो सिनेरियो वन है उसका डिसीजन ट्री है कि जी अगर हम सारी की सारी डिमांड, अपनी जो वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम स्पॉट मार्केट से करते हैं, तो उसको हमने सॉल्व किया था थ्रू डिसीजन ट्री। ये सारी मेथडोलॉजी मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो उससे फिर आखिर में हमारे पास जो निकला था सोल्यूशन निकला था वो था कि जी देयर फोर द एक्सपेक्टेड एमपीवी ऑफ नॉट साइनिंग द लीज एंड ऑब्टेनिंग ऑल द वेयर हाउस स्पेस फ्रॉम द स्पॉट मार्केट इज गिवन बाय दिस। अगर आपकी कंपनी है जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स है सिनेरियो वन, जिसके अंदर वो अपनी सारी वेयर हाउसिंग स्पेस फ्रॉम स्पॉट मार्केट ले रही है, तो उससे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कितना इंक्रीज आता है ट्रिप लॉजिस्टिक्स इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुसे कि जी वो डिमांड पूरी करेगी। डिमांड के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमें पता है, स्पॉट मार्केट के अंदर की प्राइस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमें पता है। अगर वो इन कंडीशंस में अपनी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्पॉट मार्केट से पूरी करेगी, तो उसकी जो वैल्यू एडिशन या जो उसकी इंक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू उस कंपनी की होगी, दैट विल बी अबाउट 5,471 इन प्रेजेंट डे ऑफ डॉलर वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे का सारा हमें अंदाजा हो गया कि टेकिंग इन टू अकाउंट द अनसर्टेनिटी और द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिमांड फ्लक्चुएशन, उससे हमने एक 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 कंक्रीट आंसर निकाला या एक डेफिनेटिव आंसर निकाला कि जी अगर हम इस प्रोजेक्ट में टेकिंग कंसिडरेशन ऑल दी अनसर्टेनिटीज एंड ऑल दी फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, तो हमें इतना फायदा या हमें इतना नुकसान होगा। चलें अब हम दूसरा वाला देखते हैं ऑप्शन, विच इज़ फिक्स्ड लीज ऑप्शन। हमने पहला वाला जो ऑप्शन था वो डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर आप अगर अपनी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पॉट मार्केट से लें। अब दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि जी यू साइन अ 3 ईयर लीज फ्रॉम अ
for a fixed amount of warehousing space and get the additional requirements from the spot market. अब इसके अंदर आपने जो काम करना है वो दो काम करने हैं कि एक certain amount of space जो है वो आपने लीज कर ली है, उस पे आपको प्राइस जो है दैट इज फिक्स प्राइस, मगर उस अमाउंट ऑफ वेयर जो आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस है अगर उससे ज्यादा आपकी यूटिलिटी है तो फिर आपको वो जाके स्पॉट मार्केट से लेनी होगी. तो अब इस ऑप्शन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका वही तरीका है, डिसीजन ट्री बनाया जाएगा. अभी हम इसको थ्रू टेबल कर लेते हैं कि जी इफ यू हैव अ फिक्स्ड लीज ऑप्शन तो जो टाइम पीरियड टू है उसके अंदर क्या आपके पास ये टाइम पीरियड टू जो है उसकी हम देखते हैं कि जी आपके पास डिमांड इतनी है स्पॉट मार्केट में प्राइस इतनी होगी, डिमांड इतनी है स्पॉट मार्केट में प्राइस इतनी है. तो ये सारी की सारी आउटकम्स जो हैं पीरियड टू की वो हमने रख ली हैं. अब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस के जी जब आप उनसे लीज करते हैं तो यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ 100,000 स्क्वायर फीट, तो वो लीज्ड स्पेस जो है सेकंड पीरियड के अंदर भी आपके पास इतनी है. अब आप देखो डिमांड जो है वो 144,000 है, आपके पास लीज की जो स्पेस है दैट इज अबाउट 100,000, तो बाकी 44,000 कहाँ से पूरी होगी, वो स्पॉट मार्केट से पूरी होगी. तो 44,000 स्क्वायर फीट हमें स्पॉट मार्केट से लेनी पड़ेगी एट द प्राइस ऑफ अबाउट 1.45. तो जब हम इसकी उसी पुराने तरीके से जो मैंने आपको पहली पहले ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर हमने स्पॉट मार्केट से ली थी प्रॉफिट, हर सिनेरियो के लिए आपने एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि जी इतना हमारा हम हर ट्रांजेक्शन पे 1.22 डॉलर्स पर यूनिट ऑफ स्टोरेज पे ले रहे हैं रेवेन्यूज, उसमें आपकी रेवेन्यूज में से आपने कॉस्ट माइनस करनी है तो आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे. तो इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉफिट्स हैं कि जितनी भी डिमांड होगी, डिमांड इज अबाउट 144,000, आप हर यूनिट ऑफ डिमांड पे 1.2 यूरोस या 1.2 डॉलर्स ले रहे हैं, माइनस आपकी कॉस्ट कितनी होगी. जाहिर बात है आपने लीज तो 100,000 यूनिट्स की ली हुई है तो उस पर आपका एक रुपया खर्च हो रहा है या एक डॉलर खर्च हो रहा है, और बाकी जो स्पॉट मार्केट से डिमांड आप पूरी कर रहे हो वो उस प्राइस आप उसके अंदर डाल लोगे. तो 44,000 स्क्वायर फीट को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.45 से, क्योंकि ये आपको मार्केट प्राइस स्पॉट मार्केट प्राइस है, और बाकी जो 100,000 यूनिट है उनको आप $1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा दैट विल बी अबाउट 11,880 डॉलर्स. इसी तरह दूसरी पीरियड टू की दूसरी सिनेरियो जो है या दूसरी आउटकम है उसके अंदर स्पॉट प्राइस इतनी है, डिमांड इतनी है, वही कैलकुलेशन है कि जी आपने 100,000 तो लीज ली हुई है, बाकी जो 44,000 है वो हमें स्पॉट मार्केट से लेनी पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट इस सिनेरियो में कितना है, तो दैट इज अबाउट 23,320 डॉलर्स. इसी तरह से डिमांड आपके पास 144 है, प्राइस इतनी है, 100,000 स्क्वायर फीट आपके पास लीज में है विच कम एट अ प्राइस ऑफ अबाउट $1 पर ईयर, 1 square feet जो है 100,000 स्क्वायर फीट आपके पास वेयर हाउसिंग स्पेस है और ये आपको कितनी प्राइस पे पड़ रही है, $1 पर स्क्वायर फीट पर ईयर के हिसाब से. तो ये जो है बाकी 44,000 जो है वो आप स्पॉट मार्केट में 0.97 डॉलर्स पे ले सकते हो. तो इसमें आपके पास जो प्रॉफिट है दैट विल बी अबाउट 33,000. इसी तरह बाकी जो सिनेरियोज हैं उनके अंदर हमने ये ही एक ही प्रोसेस है. तो ये टाइम फिक्स्ड लीज ऑप्शन का जो डिसीजन ट्री है उसका जो टाइम पीरियड टू है उसकी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं. अब जाहिर बात है हमने टाइम पीरियड वन पे भी लाना है. टाइम पीरियड वन उसके अंदर क्या है, डिमांड इतनी है टाइम पीरियड वन में, उसकी प्राइस स्पॉट मार्केट की इतनी है, डिमांड स्पॉट मार्केट प्राइस, डिमांड स्पॉट मार्केट प्राइस, डिमांड एंड स्पॉट मार्केट प्राइस. अब यहाँ आपको याद होना चाहिए कि जी जब भी हम टाइम पीरियड टू से टाइम पीरियड वन पे ला रहे होते हैं तो वो क्या प्रोसीजर है. टाइम पीरियड टू में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं और फिर हम उसको लेके उसको इस प्रॉफिट वैल्यू के अंदर हम डाल देते हैं. तो प्रोसीजर वही है कि जी एक स्टेज से दूसरी स्टेज जो भी है डिसीजन ट्री की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जी
एक दो तीन चार और इधर आगे आउटकम्स जितनी भी आ रही हैं, तो उनका प्रोसीजर यही है कि आपने हर आउटकम के साथ जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं सेकंड टाइम पीरियड में या उससे अगले नेक्स्ट टाइम पीरियड में, उसकी आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालनी है। इसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हर्डल रेट, रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, के की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, और वही प्रोसीजर है जो हमने पहले जो फिक्स जो स्पॉट मार्केट वाली एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर बताया था, वही प्रोसीजर है। क्योंकि ये सारे प्रोसीजर्स दे आर जो है ना कैलकुलेशन इंटेंसिव, तो मैं आपको एक एक स्टेप नहीं करा रहा, मैं चाहता हूँ कि आप इन एग्जांपल्स को खुद हाथ से करो और खुद अपने जो एम्बिग्विटी है उसको पूरा करो। आपकी बुक के अंदर ये सारी के सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि ये करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह निकाला जा सकता है, ट्रांजिशन प्रॉबेबिलिटीज जो हैं उनसे निकाला जाता है कि जी ये वाली आउटकम की इतनी प्रॉबेबिलिटी है और उससे क्या फ़ायदा होगा, इस वाली आउटकम की इतनी प्रोबेबिलिटी और उसका क्या फायदा होगा। तो उन सारों को जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो और एडअप करते हो तो दैट गिव यू एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसी ट्रिप लॉजिस्टिक्स का कि जी आपकी डिमांड इतनी है, प्राइस स्पॉट मार्केट की इतनी है, आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेशन कितनी होंगी, स्पॉट मार्केट से आपको कितनी वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अबाउट 20,000 यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट, 20,000 स्क्वायर फीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी प्राइस कितनी है स्पॉट मार्केट की, अबाउट $1.32 पर स्क्वायर फीट है, तो उसके हिसाब से जो आप जब आप कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड वन में, तो आपको इन ऑप्शंस के अंदर ये डिफरेंट आउटकम्स मिलेंगी कि जी इस डिमांड पे आपको इतनी प्राइस हो रही, इतनी आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है या इतने डॉलर्स का फ़ायदा हो रहा है, इस आउटकम पे जब डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं। फिर जब आप इस सारे डिसीजन ट्री को सॉल्व कर लोगे, आप टाइम पीरियड टू, टाइम पीरियड वन एंड टाइम पीरियड ज़ीरो पे, जब इन सारों को सॉल्व करके आखिर में जब आप टाइम पीरियड वन पे सॉल्व करके आखिरी जो एमपीवी की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी अबाउट 38,364 डॉलर्स। ठीक है, अब अगर आपको याद हो जब हमने यही चीज़ ट्रिप लॉजिस्टिक्स की हमने डायरेक्टली एमपीवी निकालने से की थी कि जी डिसीजन ट्री उसके अंदर हमने रिस्क इन्वॉल्व नहीं किया था, हमने ऑन एवरेज वैल्यूज़ निकाली थी, तो हमारे पास पता चला था कि अगर हम ले लेते हैं, लीज ले लेते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होगा, मगर जब हमने रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया तो अब आप देखें कि जी वैल्यूज़ के अंदर कितना चेंज है, कि विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क आपको 60,000 का फ़ायदा हो रहा है, विद इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क आपको पता चल रहा है कि नहीं जी दी प्रॉब्लम इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड और हमें अबाउट 38,000-40,000 का फ़ायदा होगा, हमें 60 का नहीं होगा। तो अब इसके अंदर कीपिंग इन कंसिडरेशन के जी जब आपके पास पहली सिनेरियो था, सिनेरियो वन, जब आपने सारे का सारा स्पॉट मार्केट से ले लिया तो उसके अंदर आपके पास फ़ायदा कितना था। अब सिनेरियो टू है कि जी आपने लीज़ कर लिया और स्पॉट मार्केट का ऑप्शन ले लिया, तो उसके अंदर क्या आपकी एमपीवी वैल्यू है, दैट इज़ अबाउट 38,364, इसके अंदर आई थिंक इट वॉज 5,471, तो 5,471। अब तीसरा सिनेरियो रह गया, तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा सिनेरियो इसके अंदर ये था कि जी इफ आप जो एक फ्लेक्सिबल लीज ले लो विद अ मिनिमम चार्ज दैट अलाउज वेरिएबल यूसेज ऑफ वेयर हाउस स्पेस अप टू अ लिमिट विद एन एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉट मार्केट। अब इसके अंदर ये है कि जी इस केस के अंदर क्या थी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लीज थी कि जी वो जो 100,000 स्क्वायर फीट ऑफ यूनिट्स के लिए आपने पे करना है और दैट विल बी अबाउट $1 पर स्क्वायर फीट।
ठीक है। और फिर अगर एडिशनल आपको चाहिए होगी तो वो एडिशनल आप जाके स्पॉट मार्केट में से लोगे। अब इसके अंदर फ्लेक्सिबल लीज ली हुई है। फ्लेक्सिबल लीज ये है कि जी आपके पास मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम इतनी स्पेस है। मिनिमम कुछ भी हो सकती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर इस मैक्सिमम से ज्यादा आपको चाहिए तो फिर आप स्पॉट मार्केट से लो। तो ये फ्लेक्सिबल लीज का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी आपके पास मिनिमम स्पेस वेयर हाउसिंग कितनी अवेलेबल है, मैक्सिमम आपके पास इतनी है। इफ यू नीड मोर देन दिस देन गो फॉर द स्पॉट मार्केट। अब इस ऑप्शन को भी हम जब कैलकुलेट करेंगे, कीपिंग इन कंसिडरेशन द रिस्क इन्वॉल्व्ड, तो अब हम देखते हैं कि वही फ्लेक्सिबल लीज ऑप्शन आपके पास टाइम पीरियड टू है, उसके अंदर जो भी आउटकम्स हैं उनकी प्राइसेस, स्पॉट मार्केट प्राइसेस और उनकी डिमांड्स, वेयर हाउसिंग की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, कि इसके अंदर जो फ्लेक्सिबल है, आई थिंक इट्स इस ऑप्शन के अंदर जो फ्लेक्सिबल लीजिंग का ऑप्शन है वो है इतना है कि जी आप 60,000 से 100,000 तक यूज़ कर सकते हो। 100,000 से ज़्यादा अगर आपने यूज़ की तो फिर आप स्पॉट मार्केट से ले सकते हो। तो अब हमें हर साल 100,000 के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमें 60 से 100,000 के दरमियान में जितना हम यूज़ करेंगे उसका हम जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स है वो $1 पर स्क्वायर फीट देगी। 100,000 से ज़्यादा अगर उसने यूज़ करना है तो वो फिर जाके स्पॉट मार्केट से ये जो कैपेसिटी है उसको परचेज करेगी। अब 144,000 अगर डिमांड आपके पास आ रही है तो 100,000 तक तो आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम वेयर हाउसिंग स्पेस जो एडिशनल है, दैट विल बी 44,000। ये जो टाइम पीरियड टू है प्रॉब्लम का थर्ड सिनेरियो फ्लेक्सिबल लीज ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट्स निकलेंगे दैट विल बी अबाउट 11,800। इसी तरीके से डिमांड जब चेंज होगी 144 और प्राइस स्पॉट मार्केट की इतनी है, 100,000 तक आप उसको लोगे, 44,000 आपको स्पॉट मार्केट से लेनी पड़ेगी, बाकी जो उसकी प्रॉफिट्स होंगे वो इतने होंगे। इसी तरह डिफरेंट ऑप्शन, ये भी वही ऑप्शन है, इसमें देखें कि जी डिमांड ज़रा कम हो रही है, स्पॉट मार्केट की प्राइस इतनी है, तो 96,000 स्क्वायर फीट आप यूज़ कर रहे हो। आपने स्पॉट मार्केट से कोई एडिशनल कैपेसिटी परचेज नहीं की क्योंकि 60,000 से 100,000 तक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप यूज कर सकते हो। अगर डिमांड 100,000 से कम है तो आप उसी को वेयर हाउस को यूज करोगे और स्पॉट मार्केट से कुछ नहीं लोगे। फिर आपके पास कितना फायदा होगा उस स्टेज के अंदर, टाइम पीरियड टू की जो स्टेज है। इसी तरह से डिमांड जब और कम होगी तो यू कैन सी के जी आपको स्पॉट मार्केट से कोई कैपेसिटी नहीं खरीदनी पड़ रही, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये प्राइस फिर उसके अंदर नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर अगर लेट से वी हैव टू कैलकुलेट इट, वो किस तरह से करेंगे, इसका प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे। इसका प्रॉफिट हम देखेंगे कि जी प्रॉफिट इज ऑलवेज के जितने आपके रेवेन्यूज हैं उनमें से जितनी आपकी कॉस्ट है। अब आपने 96,000 यूनिट्स को फैसिलिटेट करना है क्योंकि हर यूनिट एक स्क्वायर फुट लेती है, और आपके पास जो 96,000 डिमांड आ रही है, 96,000 यूनिट ऑफ डिमांड आनी है, या किसी ने आपको 96,000 या ट्रिप लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है उसको 96,000 यूनिट्स देनी है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ट्रिप लॉजिस्टिक्स का टोटल रेवेन्यू क्या है कि $1.22 पर यूनिट वो साल का स्टोर करने के लिए, एक स्क्वायर यूनिट को स्टोर करने के लिए लेते हैं। तो आप इसको 96,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वो पैसा कमा रहे हैं। अब इसके अंदर कॉस्ट कितनी होंगी, जाहिरी बात है कॉस्ट उनकी वो है जो वो वेयर हाउसिंग के लिए दे रहे हैं। तो वेयर हाउसिंग के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि 60,000 से 100,000 तक अगर हम यूज़ करें तो हम $1 पर स्क्वायर फुट देंगे फॉर वन ईयर। तो वही बात है कि एक साल के अंदर वो 1.22 अपने कस्टमर से ले रहे हैं, और जो अब जो पे कर रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट है, दैट इज अबाउट दिस। तो 96,000 इस तरह से इसके आप रेवेन्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि स्पॉट मार्केट में हम जा नहीं रहे। इसकी जो हमने कैलकुलेशन की थी वो किस तरह की जा सकती है कि जी इस ऑप्शन की जो कैलकुलेशन है दैट विल बी अबाउट के जी 1.22 मल्टीप्लाई बाय अबाउट 144,000
ये उनके जो हैं रेवेन्यूज आ जाएंगे इस सिनेरियो के अंदर, कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी, कॉस्ट आ जाएगी 100,000 क्योंकि $1, और बाकी जो प्लस है इसकी 44,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी प्राइस है, प्राइस इज अबाउट 0.97, तो 0.97। तो जब ये इस सारे फिगर को, जब आप इसका प्रॉफिट जो होगा वो होगा जब आप इसके रेवेन्यूज में से माइनस करेंगे कॉस्ट को, इन दो वैल्यूज को जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सारे सिनेरियोस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब वही बात है ट्रिप लॉजिस्टिक्स की, फ्लेक्सिबल लीज वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपका 1 है, पिछला वाला टाइम पीरियड 2 था, ये टाइम पीरियड 1 है। इसके अंदर चार आउटकम्स जो हैं वो दी हुई हैं। अब इन चार आउटकम्स के वही बात है कि टाइम पीरियड 2 से टाइम पीरियड 1 में आपने लाना है, तो टाइम पीरियड 2 की पहले आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालोगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालोगे, और ये निकालने के लिए यू हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ के विच इज़ अबाउट 0.1, तो इजीली निकल आएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो डिसीजन ट्री के एरोज होते हैं, वो बता रहे होते हैं दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, कि जी इस डिमांड बढ़ना और प्राइस बढ़ने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, तो वो शो कर रही होती हैं। तो इसके अंदर वही बात सारी, आप प्रॉफिट टाइम पीरियड 1 के प्रॉफिट्स निकालेंगे, टाइम पीरियड 2 के जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको टाइम पीरियड 1 के अंदर एड अप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगले साल के जो या अगले टाइम पीरियड के जो प्रॉफिट्स आने हैं या जो नुकसानात होने हैं उनकी आज के दिन में या एक टाइम पीरियड के दो साल पहले जो आपके नुकसान या फायदे होने हैं उनका एक साल पहले या एक साल वन टाइम पीरियड बैकवर्ड्स क्या उनकी वैल्यू होगी, वो बेसिकली पिछले टाइम पीरियड में लाया जाता है। तो एक साल बाद जो टाइम पीरियड 2 में आपके पास आना है या फायदा या नुकसान होना है उसका टाइम पीरियड 1 में क्या वैल्यू होगी, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम निकालते हैं और वो हम उसको ऐड अप कर देंगे। जो टाइम पीरियड 1 में हम प्रॉफिट निकालेंगे उसके अंदर बस हम ऐड अप कर देंगे। तो आपके पास जब डिमांड 120 होगी, स्पॉट मार्केट 132 है, 100,000 यूनिट्स तक, तो आप $1 दोगे, बाकी 20,000 के आप इतने दोगे, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द टाइम पीरियड 2 जो आपकी आ रही होंगी वो भी एड अप करनी है, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी यही करना है, इसके अंदर भी यही करना है और इसके अंदर भी। अब ये देखिए इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि डिमांड ही 80,000 की है, 100,000 तक का आपके पास ऑप्शन है, तो आपने स्पॉट मार्केट से कोई डिमांड ली ही नहीं है। जब इसको सोल्यूशन निकलेगा तीनों सिनेरियोस का, पहला सिनेरियो कि जी अपनी सारी की सारी स्पेस आप स्पॉट मार्केट से लो, दूसरा सिनेरियो कि आपके पास जो है 100,000 स्क्वायर फीट का ऑप्शन है, आप इसको ले लो 3 साल के लिए, इट इज अ फिक्स्ड लीज, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 3 साल के लिए आपने 100,000 के पैसे दे देने हैं, ठीक है, और उसमें आपको $1 पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट चार्ज करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल, तीसरा सिनेरियो जो है दैट इज फ्लेक्सिबल लीज, के जी 60,000 से 100,000 तक जितनी आप यूज करोगे उसके हिसाब से आप पैसे देना। अगर आपने 60,000 यूज किया तो 60,000 का $1 देना, अगर आपने 100,000 यूज किया तो 100,000 यूनिट्स के लिए आपने $1 पर यूनिट देना है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। तो इन सारों की जो वैल्यूज हैं आप देखें इनसे, अब ये जो तीन वैल्यूज निकल रही हैं इन सिनेरियोस की, इसके अंदर हमने जो है रिस्क या अनसर्टेनिटी डाली हुई है क्योंकि डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी से सॉल्व की गई है। ये सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लोस एनालिसिस जब हमने किए थे तब हमारी वैल्यूज डिफरेंट निकली थी। जब हम सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कर रहे थे ये स्टार्ट करने से पहले, तो इसकी हमारे पास 60,000 निकली थी MPV, जो ये जो डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी है उसके अंदर डिफरेंट निकल रही है। पहले सिनेरियो की इज अबाउट 5,000, दूसरे सिनेरियो की इज अबाउट 38,000, तीसरे सिनेरियो की जो फ्लेक्सिबल लीजिंग की है उसकी 46,000 है। अब सवाल पैदा होता है कि ट्रिप लॉजिस्टिक्स
किस ऑप्शन के अंदर जाए। तीनों वैल्यूज जो हैं ये आपकी एमपीवी हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के जी। अगर कंपनी इन सर्कमस्टांसिस के अंदर और इस रेट ऑफ रिटर्न के साथ अगर काम करे तो उसकी वैल्यू के अंदर कितना इजाफा होगा, तो वो है इसके अंदर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अबाउट द थर्ड ऑप्शन, जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम मुनाफा हो रहा है। कि जी 46,545 का आपको फायदा हो रहा है। तो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो सिनेरियो इसको प्रेजेंट किया गया है कि जी डिमांड में इतनी चेंज आ सकती है, प्राइस में इतनी चेंज आ सकती है, तो अब इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल द रिस्क्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल लीज का है, जिसके अंदर ये 60,000 से 100,000 यूज़ करेंगे और बाकी इससे ज़्यादा अगर इन्हें यूटिलाइज करनी हुई तो वो स्पॉट मार्केट से ले लेंगे। तो ये एक तरीका है डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी को यूज़ करने का। अब जाहिरी बात है ये डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी, मैंने आपको शुरू में कहा था, इट्स अ वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रोसेस। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, पैलिसेड डिसीजन टूल है, डिसीजन टूल जिसके अंदर डिसीजन ट्री मॉडल होके सॉल्व किया जा सकता है, इसका नाम पैलिसेड डिसीजन टूल्स। अब कॉरपोरेट के अंदर आपको बहुत सारे इस तरह की अनसर्टेनिटीज मिलेंगी, रिस्क अंडर, यू हैव टू मेक अलॉट ऑफ डिसीजंस अंडर रिस्क, तो आप हमेशा डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी यूज करते हो टू सॉल्व, टू हैव अ सर्टन आउटकम और टू हैव अ सर्टन डिसीजन अंडर द प्रेजेंस या इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। एक और टूल है जिसका नाम है WinQSB, इट्स एन ओपन सोर्स टूल, आप इसकी सर्च करोगे तो यू विल फाइंड, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम, बड़ा इजी सा सवाल है, इट्स अ यू कैन इजीली यूज इट, इसका एक मॉड्यूल है ऑन डिसीजन ट्री, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो हाथ से भी, अब मैंने आपको बता दिया, हाथ से भी यू कैन सॉल्व इट। आपकी जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स की जो तीनों ऑप्शंस हैं जो हाथ से सॉल्व किए गए हैं, ट्रिप लॉजिस्टिक्स की है एग्जांपल, इट इज़ दी एग्जांपल 6.1 एंड इन द बुक विच आई एम फॉलोइंग दिस एग्जांपल स्टार्ट्स फ्रॉम 168। और जो तीनों ऑप्शंस हैं वो डिसीजन ट्री के स्पॉट मार्केट वाले, फ्लेक्सिबल लीजिंग वाले और जो फिक्स्ड लीज एंड फ्लेक्सिबल लीजिंग, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये फिर जाके जो इसने डिस्कस किए हुए हैं दे एंड एट 177। तो ये जो पेजेस हैं 168 से 177, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप। तो आई विल रिकमेंड यू कि जी आप जाके एक दफ़ा डिसीजन ट्री को हाथ से ज़रूर सॉल्व कीजिए। मुझे पता है इट्स अ कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रोसेस, मगर एक दफ़ा डिसीजन ट्री को बनाना सीखें, डिसीजन ट्री कैसे बनता है, प्रोबेबिलिटी कौन सी चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं और डिफरेंट आउटकम्स बनाएं, फिर उसके बाद उनको एक दफ़ा हाथ से ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि किस तरीके से डिसीजन ट्री की हर जो स्टेज है उसको बनाना है। ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, लेट मी प्रेजेंट टू यू अनदर केस स्टडी ऑन डिसीजन ट्री। ये आपकी जो है, इट इज़ द सेक्शन 6.6 ऑफ द बुक, इट टेल्स यू कि जी अगर आपने ऑफ शोरिंग एंड ऑन शोरिंग का डिसीजन करना है तो उसका किस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है। तो सोल्यूशन इसका भी जो है वो उसी तरीके से होना है जिस तरीके से हमने पिछली प्रॉब्लम का किया है, मगर लेट्स सी के जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली द प्रॉब्लम इज डी सोलर कंपनी, इट्स अगेन अ फिक्टिशियस कंपनी। बेसिकली डी सोलर कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट प्राइमरली इन यूरोप, डिमांड इन द यूरोप मार्केट इज करंटली 100,000
panels per year, and each panel sells at about 70 euros. अब डी सोलर एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है. उसकी जो डिमांड है दैट इज़ अबाउट 100,000 यूनिट्स की या 100,000 पैनल्स की, और हर पैनल जो है वो 70 यूरो का बिकता है. अब ज़ाहरी बात है इसकी प्राइमरली जो इसकी जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड यूरोप के अंदर है, तो वो यूरोज़ में बिक रहा है. वाइल पैनल डिमांड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, देयर आर सम डाउन साइड रिस्क इफ़ द इकोनॉमी स्लाइड्स. ठीक है, फॉर वन ईयर टू द नेक्स्ट डिमांड में इंक्रीज बाई 20% विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 0.8 एंड डिक्रीज टू अबाउट 20% विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2. अब ज़ाहरी बात है बेसिक आइडिया ये है कि अगर आपकी इकॉनमी बेहतर रही तो आपकी डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, अगर इकॉनमी ख़राब हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हुए, तो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होगी. अब उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई हुई है कि जी 20% इंक्रीज होता हो सकता है इस डिमांड के अंदर, 20% इंक्रीज हो सकता है अगर आपकी, और इसकी इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट 80%, और इसी 100,000 के अंदर डिक्रीज भी हो सकता है 20% का, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 या 20% प्रोबेबिलिटी है कि जी डिक्रीज भी हो सके. अब इस कंपनी के पास जो ऑप्शन है कि यू कैन आइदर बिल्ड अ प्लांट इन यूरोप, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूरोप, और यू कैन बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन चाइना. डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके पास, इनकी कैपेसिटी जो विद अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 120,000 पैनल्स. अब ये यूरोप में भी बना सकते हैं, चाइना में भी बना सकते हैं, जिसकी प्लांट की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी अबाउट 120. तो अब डिफरेंट यूरोपियन, अगर यूरोप में लगाते हैं प्लांट तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, चाइना में लगाएंगे तो उसकी डिमांड, उसकी कॉस्ट कितनी होगी. तो ये अगर आप देखें इधर पीरियड वन एंड पीरियड टू डिफरेंट डिमांड्स बताई हुई हैं, और यूरोपियन प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट बताई हुई है कि जी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है. अगर आप एक बनाते हो 120,000 पैनल्स बनाने का प्लांट, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो साल में 120,000 पैनल्स बना सके, तो उसको आपको कितनी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी कि जी अगर आपने उसकी पैनल कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसमें इतनी कॉस्ट होगी. अगर हर पैनल, बेसिकली पैनल बनाने की कितनी कॉस्ट है, 120,000 पैनल्स बना सकता है यूरोपियन प्लांट, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी होगी और उसकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी. फिक्स्ड कॉस्ट उसको चलाने की, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जितनी चीज़ें उससे आप बनाएंगे. तो यूरोपियन प्लांट जो है वो एक पैनल $40 में बना के देगा, जो चाइनीज़ प्लांट है वो एक पैनल 340 युआन्स में बना के देगा. ये तो इस दी चाइनीज करेंसी. इस प्लांट को मेंटेन करने की, जिसकी कैपेसिटी 120,000 होगी, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ अबाउट 8 million पर ईयर. इसको मेंटेन करना, स्टाफ करना, उसकी जो डिफरेंट कॉस्ट्स हैं उनको में रखने, उनको पे ऑफ करने के लिए कोई लैंड है, कोई टैक्सेस हैं, कोई डिफरेंट सैलरीज हैं लोगों की सारी फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जितने ज़्यादा आप पैनल्स बनाओगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉस्ट पड़ेगी. तो जितने ज़्यादा आप पैनल बनाओगे, एक पैनल बनाने के लिए आपको 340 युआन्स पर पैनल पे करना पड़ेगा. इसी तरीके से डिमांड भी दी हुई है. इसके अंदर एक्सचेंज रेट, इस जो प्रॉब्लम है उसके अंदर डिमांड तो ऑफ कोर्स वेरी कर रही है. प्रॉब्लम के अंदर ही देर इज़ अ चेंज ऑफ डिमांड, कि जी डिमांड बढ़ भी रही है, डिमांड कम भी हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई है. इस प्रॉब्लम के अंदर जो एडिशनल रिस्क रिलेटेड ऑप्शन है दैट इज़ द एक्सचेंज रेट. अब एक्सचेंज रेट की भी डिफरेंट बताई हुई हैं. यू कैन हैव इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एक्सचेंज रेट इन अबाउट 10%.
तो यूरोपियन प्लांट्स हैव ग्रेटर वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन बिटवीन 60,000 टू 150,000. चाइनीज प्लांट हैज़ लिमिटेड वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, कैन प्रोड्यूस बिटवीन 100 एंड 130,000 पैनल. चाइनीज प्लांट विल हैव अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 100,000 पैनल्स एंड विल लूज सेल्स इफ द डिमांड इंक्रीजेज अबव 130,000 yuan. Currently 9 yuans to a euro, expected to raise 10% with a probability of 0.7 or drop 10% with a probability of 0.3. Sourcing decision over the next 3 years, discount rate of. तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है कि जी आप यूरोप में लगाओ या चाइना में लगाओ, ठीक है. जो यूरोप में आप प्लांट लगाओगे उसकी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है मैं आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, उसकी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. अगर आप यूरोप में लगाओगे तो वो 60,000 से लेके 150,000 पैनल्स पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है. जो चाइनीज प्लांट है उसकी जो वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है, इट कैन ओनली प्रोड्यूस बिटवीन 100 to 130,000. तो 130,000 विच मीन्स कि जी इसकी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ऑल अबाउट 30,000 पैनल्स की है, वाइल इसकी आप देखो 40 plus 50 अबाउट 90,000 पैनल्स की है. कि जी ये 90,000 पैनल्स बना इसकी फ्लेक्स मिनिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी है. तो जो यूरोपियन प्लांट है उसकी फ्लेक्स वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, जो चाइनीज प्लांट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी कम है. चाइनीज प्लांट के अंदर यह है कि जी इफ चाइनीज प्लांट विल हैव अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अबाउट 100,000 पैनल्स एंड विल लूज सेल्स इफ द डिमांड इंक्रीजेज अबव. अब जाहिर बात है चाइनीज प्लांट अगर आप लगाओगे तो उसकी मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी, हमें जो रेटेड कैपेसिटी है वो 120,000 चाहिए. एट दिस स्टेज जो प्लांट लगाएंगे दैट विल बी 120,000 उसकी कैपेसिटी होगी. मगर जो यूरोपियन प्लांट है वो थोड़ा बहुत 60 पे भी ईजिली चल सकता है एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल, और 150 पे भी चल सकता है एंड इट विल बी एबल टू केटर फॉर दैट. मगर जो चाइनीज प्लांट है वो 100 and 130 के दरमियान में चल रहा है. युआन एंड यूरो, क्योंकि अगर आप आउटसोर्सिंग डिसीजन ले रहे हो तो उसके अंदर युआन एंड यूरो का भी एक्सचेंज रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब युआन एंड यूरो का जो रिलेशनशिप है वो भी इट इज़ अनसर्टन कि कितना ऊपर कितना. एक तो डिमांड इस प्रॉब्लम के अंदर पहली चीज़ है कि जी जो डिमांड है दैट इज़ अनसर्टन. डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है. जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट वो भी आपके पास कम हो सकती है और बढ़ सकता, कम और ज़्यादा हो सकता है. तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर कीपिंग इन कंसिडरेशन दीज टू वेरिएबल्स वी हैव टू मेक अ डिसीजन. अब युआन जो है वो अभी 9 yuan टू अ यूरो, अगर आप 1 euro दोगे तो आपको 9 yuan मिल जाएंगे. अब इसकी जो वैल्यू है वो देर इज एन एक्सपेक्टेशन कि 10% इंक्रीज हो जाए, ठीक है. 10% इंक्रीज मतलब 9.9 इसके अंदर एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट रेस 10% का हो और देर इज अबाउट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7. और ये भी हो सकता है कि जो प्राइस है ये डिक्रीज कर जाए 10% विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3. तो एक्सचेंज रेट के अंदर भी चेंज आने का खदशा है या अनसर्टेनिटी है या रिस्क है. जो आपकी कंपनी डी सोलार है उसका जो एक रेट ऑफ रिटर्न या हर्डल रेट या डिस्काउंट रेट जो है दैट इज अबाउट एट 0.1 या 10%. अब इसी का वही प्रोसीजर है सारे का सारा. बेसिकली अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो से करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, तो उसका किस तरीके से हम पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 का निकालेंगे, उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे. जो पहले पीरियड में हमारे पास आया है उसकी डिस्काउंटिंग हमने की, जो दूसरे टाइम पीरियड में आया उसकी हमने फिर डिस्काउंटिंग की और फिर हमने एक वैल्यू निकाल ली. प्रॉफिट कितना है, डिमांड आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड इज़ अबाउट 100,000 है, आपकी जो
उसके अंदर कितने का बिकता है पैनल, 100,000 डिमांड है टाइम जीरो में, 70 यूरो का बिकता है पैनल। अगर आप प्लांट लगाते हो जिसकी कॉस्ट अबाउट 1 मिलियन होगी और 100,000 बनाओगे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट इज़ अबाउट 40,000, तो वो आपके पास ये इस तरीके से इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, ये ऑन शोरिंग के जी, अगर आप यूरोप में ही बनाते हो, URP, यूरोप में ही प्लांट बनाते हो, तो यूरोप में जो प्लांट है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन है, 1 मिलियन यूरोस है, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अबाउट 40 यूरोस पर पैनल है। तो जब आप इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो से करोगे कि जी टाइम ज़ीरो में आपके पास डिमांड इतनी है, हर पैनल आपका इतने का बिक रहा है, प्लांट लगाओगे तो 100 मिली आपका 1 मिलियन खर्चा होगा, और फिर वेरिएबल ये फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है कि जी हर प्लांट पे आपका, हर पैनल बनाने पे आपका 40 यूरो खर्चा होना है और 100,000 पैनल्स बनाने हैं, तो आपको इस सिचुएशन के अंदर पीरियड वन के अंदर जो है वो 2 मिलियन का फ़ायदा होगा। पीरियड वन के अंदर जाहिरी बात है जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस तो उसकी उतनी ही है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट, आपको जो फ़ायदा होगा दैट विल बी अबाउट 2.3 मिलियन। दूसरे टाइम पीरियड के अंदर आपके पास 2.7 मिलियन का फायदा होगा। और जब आप इन दो वैल्यू को, ये तो टाइम जीरो में है ना, ये टाइम वन में है और टाइम टू में, तो इसको आपने दो दफा डिस्काउंट करना, इसको आपने एक दफा डिस्काउंट करना, तो ये 1.1 और ये 1.21, ठीक है। डिस्काउंटिंग कैसे होती है, 1/1+k विच इज अबाउट 0.1 raised to power 1 और फिर 1.01 raised to power 2। तो जब इसको आप दो दफ़ा डिस्काउंट करोगे, उसको एक दफ़ा डिस्काउंट करोगे, तो आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू में टाइम जीरो में आपको कितना फ़ायदा होगा, अबाउट 6.4 मिलियन का होगा। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का एनालिसिस है। इसी तरह जब आप ऑफ शोर करते हो, चाइना में लगाते हो, तो ये वही सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे। ये आपने यूरो में बेच रहे हो, इसी तरीके से आपका युआन में ख़र्चा है, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 9 करोगे, क्योंकि 9 युआन जो है वो 1 यूरो में है, तो अब आप इसको यूरो में कन्वर्ट कर रहे हो ना, क्योंकि हमारे पास ये सारी कैलकुलेशंस यूरो में है। तो ये वाला जो आपका, ये आप कॉस्ट जो है कस्टमर से यूरो में चार्ज कर रहे हो, ये जो है आप इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हो कि जी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे कि जी कन्वर्ट करना है ना युआन से यूरो में, तो हम उसे डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन यूरोस। इसी तरीके से ये जो हमने किया है डिवाइड बाय 9 किया, ये भी कन्वर्जन टू यूरोस में किया है, तो आपके पास पहले साल में टाइम पीरियड जीरो में इतना आएगा, टाइम पीरियड वन में और टाइम पीरियड टू में वही उनकी डिस्काउंटिंग करोगे और आपके पास यूरोस का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा वाला बेहतर है, इससे डिस्काउंटेड कैश फ्लो से आप एनालिसिस से आपको पता चल रहा है कि जी चाइना का या गो फॉर ऑफशोर, चाइना में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। अब हम बेसिकली देखते हैं कि डिमांड की अनसर्टेनिटी अगर हम इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर हमने डिमांड अनसर्टेनिटी नहीं डाली भी, हमने क्या किया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ली हुई हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैसे ली हुई हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हम इस तरह से ले सकते हैं कि जी अगर आपकी जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड है वो बढ़ भी सकती है 20% बढ़ भी सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8% प्रोबेबिलिटी है, और आपकी डिमांड जो है वो 20% कम भी हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। तो अब इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं कि जी एक्सपेक्टेड कितनी है, मीन कितनी है इसकी, तो वो कैसे निकाली जा सकती है, वो निकाली जा सकती है 20 × 0.8, फिर इसके बाद ये बढ़ सकती है, इसी तरीके से कम भी हो सकती है, तो हम उसको प्लस माइनस 20, क्योंकि कम हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी के जी एक्सपेक्टेशन जो है 12% डिमांड की एक्सपेक्टेशन है बढ़ने की, ठीक है। तो हमने पहले फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड हमने 12% बढ़ाया, फिर फ्रॉम सेकंड टाइम पीरियड टू थर्ड टाइम पीरियड हमने 12% फिर बढ़ा दिया। इसके अंदर भी हमने यही किया, वन टाइम पीरियड टू सेकंड टाइम पीरियड हमने 12% बढ़ाया और सेकंड टाइम पीरियड टू थर्ड टाइम पीरियड हमने 12% बढ़ाया। इसी तरीके से जो आपकी जो
एवरेज एक्सचेंज रेट हमने रखा वो भी देखें तो हमने एक्सचेंज रेट भी उसी तरीके से चेंज किया हुआ है। एवरेज एक्सचेंज रेट के अंदर क्या एक्सपेक्टेड किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जी युआन की वैल्यू बढ़ने में 10% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है कितनी 0.7, इसी तरीके से 10% कम होने की एक्सचेंज रेट में प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड चेंज या मीन वैल्यू ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ युआन एंड यूरो, दैट विल बी अबाउट 10 × 0.7 माइनस प्लस ही कर देते हैं जैसे −10 × 0.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी अबाउट 4%, दिस विल बी अबाउट 4%, ठीक है। तो उसकी 4% हमने वैल्यू इनकॉर्पोरेट की हुई है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो आपको ये बता रहा है कि जी यू कैन आइदर, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस, ठीक है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, देर इज नो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड। रिस्क कौन कौन से थे इस प्रॉब्लम के अंदर, एक डिमांड का रिस्क है और एक एक्सचेंज रेट का रिस्क है। वो दोनों रिस्क हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में किस तरह से मिटिगेट किए या ख़त्म कर दिए या उनको किस तरीके से कैटर किया, हमने दोनों रिस्क जो है ना उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लिया। What is the mean value? तो इसके अंदर अब हम रिस्क को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, हमने उनकी मीन वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा बहुत हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन की है मगर प्रॉपर तरीके से हमने रिस्क को अभी स्टडी नहीं किया, ठीक है। हमने एक ईजी तरीके से या आप कह सकते हो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमने सारे रिस्क, जो दो रिस्क इन्वॉल्व थे उनको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज उनकी निकाली है मीन वैल्यूज और उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी प्रॉब्लम को जब आप डिसीजन ट्री में सॉल्व करेंगे, जब आप ज़्यादा जो कह रहे हैं ना सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको मॉडल करेंगे तो आपके पास आउटकम्स ज़रा डिफरेंट निकलेंगे। जिस तरह हमने पहली एग्जांपल देखी थी ना उसके अंदर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और फिर डिसीजन ट्री से भी सॉल्व किया था, तो हमारी जो आउटकम्स थी वो बहुत डिफरेंट निकली थी। अब हमने एक दफ़ा इसको डिस्काउंटेड, इस प्रॉब्लम को भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो से कर लिया। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि डिसीजन ट्री किस तरह बनाना है, बाकी सोल्यूशन फिर आप खुद ही बुक के अंदर जाके देख लेना। मैं आपको इसका एक बता देता हूं ओवरऑल डिसीजन ट्री कैसे बनेगा। आपके पास इस टाइम पीरियड जीरो पे, टाइम पीरियड वन पे एंड टाइम पीरियड टू पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकती हैं। आपके पास एट दिस टाइम यू हैव अ डिमांड ऑफ 100,000 एट टाइम जीरो और जो एक्सचेंज रेट है आपका अबाउट 9 युआन्स टू 1 यूरो है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज डिमांड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, और एक्सचेंज रेट भी 10% बढ़ जाए, कि जी डिमांड 20% बढ़ जाए और एक्सचेंज रेट जो है वो 10% बढ़ जाए, फिर क्या डिमांड जो है वो 20% बढ़ जाए और जो एक्सचेंज रेट है वो 10% कम हो जाए, फिर इसके अंदर क्या है कि जी डिमांड जो है वो 20% कम हो जाए और एक्सचेंज रेट जो है वो 10% बढ़ जाए, डिमांड जो है वो 20% कम हो जाए और एक्सचेंज रेट भी 10% कम हो जाए, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिमांड जो है वो 20% बढ़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी इज अबाउट 8 और आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी 10% उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो भी 10% बढ़ जाए तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी अबाउट आई थिंक इट विल बी अबाउट 0.7। तो डिमांड भी बढ़ जाए और एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाए तो वो 0.8 × 0.3। इसी तरीके से डिमांड बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट कम हो रहा है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज अबाउट दिस। इसी तरह से डिमांड कम हो और एक्सचेंज रेट आपका बढ़ रहा हो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो डिमांड कम हो रही है और एक्सचेंज रेट भी कम हो रहा है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम इसको मॉडल कर सकते हैं। ये जब आप इनको, ये बेसिकली कहा जाता है इनको प्रोबेबिलिटीज को, कि जी एक काम हो और दूसरा भी हो, डिमांड बढ़े
और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाए, एक काम हो और दूसरा काम हो, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाली जाती है, जब आप इन सारों को एड अप करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, इनमें से कुछ ना कुछ होना है, और उन सारों की जब आपकी प्रोबेबिलिटी एड अप करोगे तो वन होगी। इसी तरीके से फिर आगे चार चार इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखें, आप ये देखें इसके अंदर एरोज भी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, डिमांड और एक्सचेंज रेट। तो उनके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हैं, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो पॉसिबल इन दोनों की वेरिएशन के अंदर चार आउटकम्स निकल सकती हैं। तो आप यहाँ से भी देखो, हर आउटकम की आगे चार चार निकल रही हैं। इस तरीके से डिसीजन ट्री बनाया जाएगा, इसको जाके आप घर में एक दफ़ा सॉल्व करें। इसका सोल्यूशन मैं आपको इधर नहीं बताऊंगा, यू सॉल्व इट योर सेल्फ। बेसिकली द प्रोबेबिलिटी कि जी डिमांड बढ़ जाए कितनी है, डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट 20% है, तो वो तो हमने शो कर लिया। एक्सचेंज रेट बढ़ने की कितनी है, तो 0.8 इंटू एक्सचेंज रेट बढ़ने की 0.7 होगी। फिर इसी तरीके से अगर आपकी डिमांड भी बढ़ रही है और एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है, जब आपकी डिमांड बढ़ रही हो और एक्सचेंज रेट कम हो रहा हो, डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है, और आपका जो एक्सचेंज रेट है उसके कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ अबाउट 0.3। फिर जब आपकी डिमांड कम हो रही हो और एक्सचेंज रेट बढ़ रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिमांड कम होने की 0.2 है, और एक्सचेंज रेट के बढ़ने की कितनी है, 0.7। और जब आपकी डिमांड कम हो रही हो और एक्सचेंज रेट भी कम हो रहा हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, डिमांड कम होने की 0.2 है और एक्सचेंज रेट की कम होने की 0.3 है। ये जब आप चार लगा के देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, यू यूज़ दीज वैल्यूज़, यू मल्टीप्लाई देम, और वो वन के बराबर होंगी, ठीक है। तो ये सारी आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ लगाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और फिर देखें कि जी उसका आउटकम क्या निकलती है। ये सारे का सारा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर भी। तो इसको जब आप एवेल्यूएट करेंगे कि जी ऑन शोर करें ऑफ शोर करें, तो आखिर में जो इसका सोल्यूशन आएगा, दैट विल बी कि जी अगर आप इसकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को अंडर कंसिडरेशन रखें, तो फिर उसके जो ओवरऑल क्या किसके अंदर मैक्सिमम आपके पास एमपीवी की इंक्रीज़ आनी है, वो सारी का सारा ये सोल्यूशन आपकी बुक में है। एंड आई विल रिकमेंड यू कि जी आप इसको खुद सॉल्व करें। अब देखते हैं कि जी अनसर्टेनिटी के अंदर, व्हेन देर इज़ रिस्क एंड व्हेन देर इज़ अनसर्टेनिटी, आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आपको हमेशा अनसर्टेनिटी को अंडर कंसिडरेशन रखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हमेशा अपने डिसीजन के अंदर रखें। यू हैव टू डू दी सेंसिटिविटी एनालिसिस एज वेल। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि मैं अगर ये चीज़ ज़रा बढ़ जाती है तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर एक और वेरिएबल, यू यू हैव टू वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं, जिस तरह हमारी पिछली प्रॉब्लम के अंदर एक्सचेंज रेट डिमांड की एक्सचेंज रेट और डिमांड था, तो इसके अंदर अगर चेंज आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके अंदर अगर चेंज आ जाए 20% ना आए 30% आ जाए तो फिर क्या होगा। इसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इसलिए किए जाते हैं कि वो लिमिट फाइंड आउट कर ली जाए कि वो कौन सी विंडो है जिधर तक हम अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबली मैनेज कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इन एनी डिसीजन विच हैज़ सर्टन अनसर्टेनिटी विच हैज़ रिस्क, यू हैव टू डू अनसर्टेनिटी एनालिसिस एज वेल, ठीक है। विद दीज प्रेजेंटेशन आर अवर चैप्टर 6 इज़ कम्प्लीट। चैप्टर 6 के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जी जब हम ग्लोबल सोर्सिंग कर रहे होते हैं, जब हम ग्लोबलाइज कर रहे होते हैं अपनी नेटवर्क को, या जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें क्या मुश्किलात आती हैं, कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज़ हैं,
ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर प्ले करती हैं, कौन कौन से रिस्क हैं जो ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, हमने देखी हैं स्ट्रैटेजीज़, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ के किस तरीके से हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, और आखिर में हमने डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी देखी। डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी पढ़ने से पहले हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड देखा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड एंड डिसीजन ट्री मैथडोलॉजी, ये दो चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो और डिसीजन ट्री दोनों के लिए हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न होना ज़रूरी है। इसको हर्डल रेट भी कहते हैं, इसको रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, आई थिंक इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। विद दिस योर चैप्टर 6 इज कंप्लीट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।